संभल जनपद के चंदौसी में पेशी के बाद मुरादाबाद जिला कारागार से लौट रहे बंदियों का सरकारी वाहन डिवाइडर से टकरा गया। इस हादसे में 3 बंदियों को चोटें आई हैं। वहीं हादसे की सूचना पर तुरंत फोर्स के साथ दूसरा सरकारी वाहन मौके पर पहुंचा। इसके बाद घायल कैदियों को प्राथमिक उपचार दिलाकर जिला कारागार में शिफ्ट किया गया। चश्मदीदों के माने तो बंदी सवार सरकारी वाहन ई रिक्शा को बचाने की वजह से डिवाइडर से टकरा गया। इस हादसे में वाहन क्षतिग्रस्त होने के साथ ही 3 बंदी बुजुर्ग जयवीर, अनुज और शहजाद घायल हो गए। इसी बीच हादसे की सूचना मिलते ही हरकत में आए जिला कारागार प्रशासन ने मौके पर फोर्स के साथ दूसरा वाहन भेजकर पूरी मुस्तैदी से कैदियों का रेस्क्यू किया। साथ ही प्राथमिक उपचार के बाद बंदियों को कारागार में शिफ्ट किया गया। जानकारी के मुताबिक वाहन में सवार सभी कैदियों ने विभिन्न मामलों में आत्मसमर्पण किया था। गाड़ी कैदियों को लेके आए थे, टकरा गई। अच्छा, काय में टकराई है? गाड़ी में टकराई। अच्छा, किस चीज में टकराई है गाड़ी? गाड़ी में डिवाइडर, डिवाइडर में टकराई है। कौन सी जगह आई है? करूला। तो किसी की चोट तो नहीं आई? ना ना।